अज तुहानू ऐसे बाग दिखाने जो लीची का बाग है कणक झोने तो इलावा जो इतने कारोबार है जो लीची का करते हैं सहारनपुर तो आते हैं पर जो कारोबार है वह बटाला करते सिर्फ लीची का ही कारोबार इन्हों का क्योंकि लीची जी गुरदासपुर जिले के बहुत फेमस है लीची और जोड़े सहारनपुर तो आते इन्होंने गल भी करते हैं भी गुरदासपुर जिले से जो कारोबार करते कि फायदा मिलता है। ਭਾਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? ਜਹੀਰ ਖਾਨ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ। ਸਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਾਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲੀਚੀ ਦਾ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਮਾਰਾ ਬੜੋਸੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਯਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ ਬਾਗਬਾਨੀ ਕਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਬਾਗ ਲਗਾਤੇ ਵੀ ਹੈ ਪੌਦੇ ਤਿਆਰ ਆਪਣੀ ਨਰਸਰੀ ਹੈ ਹਮਾਰੀ ਲਿਮਿਟਿਡ ਇਹ ਰੂੜਕੀ ਰੋਡ ਪੇ ਹੈ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਔਰ ਬਾਗੋ ਕਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਲੀਚੀ ਕਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਆਮ ਕਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਅਮਰੂਦ ਕਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਅਮਰੂਦ ਵੀ ਅਭੀ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਹੈ लेकिन हम बरसाती अमरूद नहीं तैयार करते हैं हम उस बरसाती को उतार के दूसरा फल लेते हैं हमारा 25 रुपये या 20 रुपये बरसाती बिकता है जो बरसात में अमरूद चलता है हम उसको उतार देते हैं फिर दूसरा अमरूद लेते हैं उसको। लीची का काम है, लीची का काम फिर कितना कर देते? लीची का तो बस ये ऐसा ही है मतलब देख रेख करते हैं इसकी साल के साल इधर ही रहते हैं बगीचे में यहीं पर हमारी देख रेख रहती है साल के साल इसकी गुड़ाई पानी इसको साल में 1-1.5 महीना पानी चाहिए बाकी पूरे साल कोई पानी की जरूरत नहीं है पानी फिर जितना दे दो कोई दिक्कत नहीं। पक्कन में इसको 1-1.5 महीना लग जाता है। फिर ख्याल भी रखना पड़ता है। हाँ जी हाँ जी जी हाँ जी हाँ जी पानी का ध्यान रखना पड़ता है और सुबह सुबह हमको इसको 4-8 बजे तक इस पर स्प्रे भी मारना पड़ता है ऊपर पेड़ पे सुबह सुबह इसके उससे साइज बनता है जैसे आजकल गर्मी ज़्यादा हो रही है बारिश हो रही है तो हमको इसको पानी का स्प्रे मारना पड़ता है और उससे डबल मार्जिन हो जाती है हमारी वजन बढ़ जाता है। जिस तरह मीन एरी होती है फिर उधर फर्क पैदा जी जी अंधेरी से फर्क पड़ जाता है मतलब जैसी अंधेरी है उसके अनुसार नुकसान हो जाता है थोड़ा होता है देर तक लेकिन अभी हमारा ठीक ज़्यादा नुकसान भी नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। फिर मंडी करने ते खर्चा पानी फिर किस तरह चलता है? मंडी का तो जी बस ये है कि मंडी भी ले जाते हैं अपना इधर रोड पे हमारा माल बिक जाता है बाहर एयरपोर्ट पे भी जाता है हमारे बगीचे में माल को इधर से बुकिंग करा के दूसरे बंदे हमारे को पेमेंट नगद दे के जाते हैं यहीं पे हमारा माल बिक जाता है। नहीं इंडिया से बाहर जाता है हम इसके ग्रेडिंग करके माल को तैयार करते हैं 1 नंबर 2 नंबर हम इधर ही बेच लेते हैं नंबर 1 माल जो है हमारा बाहर एयरपोर्ट पे जाता है। काफ़ी देर तो ही जो ठेके से लेंगे भी इतों के बाग जड़े? हाँ जी हम 1987 से काम कर रहे हैं जी ठेके से लेते हैं पूरा परिवार पूरा परिवार अपना सब रल मिल के काम करते हैं। लीची का कारोबार है आम का कारोबार है सेहत लिए कितना का फायदा मिलता है? बहुत बढ़िया चीज़ है जी ये नुकसान देने वाली नहीं है बंदा इसको इसका जूस भी बना के पी सकता है और इसको वैसे भी खा सकता है कोई दिक्कत नहीं है इसको खाने में इस पर केमिकल बहुत कम लगता है। इस तरह कणक झोना कणक झोने तो अलावा जो है बागवानी का काम करते पे हो कितना का फायदा फिर उस मिल जाता है? झोने में और इसमें तो बहुत फर्क है जी बहुत फर्क है झोने में इसमें ये एक एकड़ बिक जाता है 3 लाख का और चोना मेरे हिसाब से 1 लाख का भी नहीं निकलेगा 1 एकड़ में से तो इसमें फ़ायदा है और 4 साल में पौधा तैयार हो जाता है 4 साल में आप कुछ भी बिजाई कर सकते हैं एक चोना चढ़ के जो बगीचा आपने लगाया है 4 साल के बाद मतलब 4 साल तक आप कुछ भी बिजाई कर सकते हैं उसके बाद फिर कुछ भी बिजाई ना करो। देखा जाए तो जी जगह खाली खाली है ये भी कुछ चीज लगाई जा सकती है इसके खाली जगह के वास्ते अगर सब्जी का काम कर सकते हैं तो कर सकते हैं कोई नुकसान नहीं है इसका मतलब चंगा फायदा है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी ये सुनिया तुम उन्होंने कहा भी जो ये बागवानी का चंगा फायदा भी मिलता है इन्होंने और जो रेट है भी चंगा भला इन्होंने वधिया रेट मिल भी जाता है कणक झोने तो अलावा जो रेट है उस तो भी चंगा मिल जाता है इन्होंने। मैं बटाला तो विक्की मलिक।